संसद के शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होने जा रहा है जो 20 दिसंबर तक चलेगा। संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की बैठक होगी। इस सत्र का मुख्य आकर्षण 26 नवंबर को संविधान दिवस का आयोजन होगा, जिसमें भारतीय संविधान के अपनाए जाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस विशेष कार्यक्रम में दोनों सदनों के सदस्य केंद्रीय हाल में एकत्र होकर देश के संविधान को सम्मानित करेंगे। रिजिजू ने बताया कि संविधान दिवस के मौके पर यह कार्यक्रम संविधान सदन में आयोजित किया जाएगा। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।